गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़ रहे थे इरग। इरग के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कॉज ऑफ इरग। जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू में जो अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं इरग। चलिए आज हम लोग इरग को क्लासिफाइड करते हैं। उसके इरग कैन बी क्लासिफाइड पहला हो गया एरिथमेटिक, या हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट। पिछले वीडियोज में हमने देखा कि कॉज ऑफ इरर के आधार पे हम इरर को तीन प्रकार से बांटते हैं। पहला सिस्टमैटिक इरर, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल इरर और तीसरा रेंडम इरर। सभी इरर के कारण को और उसके उपाय, उसको कम करने के उपायों को हमने डिस्कस किया। अगर हम लोग आज के वीडियो में देखें तो आज के वीडियो में हम चर्चा करें मैग्नीट्यूड ऑफ इरर, इरर का मैग्नीट्यूड के आधार पर कितने प्रकार से डिवाइड करें। पहला है एब्सोल्यूट इरर। एब्सोल्यूट इरर यथार्थ त्रुटि, लगभग में जो त्रुटि है वही यथार्थ त्रुटि है। तो यथार्थ त्रुटि हम किसको कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू, जो सही मान है और जो मापन किया गया मान, उस दोनों में अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इरर। जैसे ए इज मेजर्ड एन टाइम्स, व्हिच रिजल्ट इज ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एन ए एन रिस्पेक्टिव। अब यहाँ पर कहता है एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है ए, जिसको एन टाइम्स मेजर किया गया, एन बार नापा गया और उसके रिजल्ट प्राप्त हुए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन। तो अब इसमें ये सवाल उठता है कि हम एब्सोल्यूट इरर कैसे निकालें। एब्सोल्यूट इरर का परिभाषा है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो अंतर है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इरर। तो एब्सोल्यूट इरर कैसे निकालें, तो अब ये सवाल उठता है कि हम तो भगवान है नहीं कि हमको ट्रू वैल्यू पता रहेगा। मेजर्ड वैल्यू तो चलिए भाई, पहला बार नापे तो ए वन, दूसरा बार नापे तो ए टू, तीसरा बार नापे ए थ्री, चौथा बार नापे ए फोर, इसी प्रकार एन बार नापे तो ए एन। तो अब ट्रू वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो याद रखेंगे ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगा। तो ट्रू वैल्यू जो हम लोग एरिथमेटिक मीन हम लोग निकालते हैं, एरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, उसी को माना जाता है ट्रू वैल्यू।
अब एवरेज औसत मीन मतलब माध्य वो तो निकालना हम लोग दसवीं से लगातार जानते हैं, एरिथमेटिक मीन है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि माध्य निकालने का तरीका है कि सभी आंकड़े का योग ए ट्रू वैल्यू क्या कहलाएगा, तो ए ट्रू वैल्यू होगा या रियल वैल्यू होगा जो मेजर्ड वैल्यू होगा, ए ट्रू वैल्यू क्या होगा तो मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट ए एन और बट्टे एन। हमको पता है कि माध्य का परिभाषा है सभी आंकड़े का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, सभी आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों का संख्या, तो ट्रू वैल्यू जो है वही कहलाएगा मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ही कहलाएगा ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले किसी भी एरर के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे तो जितना भी मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है सभी को जोड़ लेंगे और उसकी संख्या से भाग दे देंगे। अब जैसे हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, तो अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है हमेशा एब्सोल्यूट एरर इन ए वन अगर निकालना है तो ए वन में एब्सोल्यूट एरर कितना है इसको हम लोग लिखते हैं डेल ए वन, डेल ए वन को हम लोग इसी को पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ए वन, एब्सोल्यूट एरर इन ए वन, ये जो त्रिभुज का है लिखा हुआ डेल ए वन इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ए वन कितना है ए वन, तो हम लोग निकालेंगे ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू हो गया मीन वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये मोड लगा हुआ है। इसी प्रकार अगर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो प्रत्येक स्टेप का निकलेगा ए टू में कितना है तो डेल ए टू ये हो जाएगा ए एम माइनस ए, एब्सोल्यूट एरर इन ए थ्री तो हो जाएगा ए एम माइनस ए। इसी प्रकार हम प्रत्येक स्टेप में निकालें एब्सोल्यूट एरर इन एनथ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा ए एम माइनस ए। मॉडुलस का मतलब है कि एब्सोल्यूट एरर कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा यह बात पॉइंट याद रखिएगा एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर आपका ट्रू वैल्यू बड़ा है तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू हटेगा और अगर मेजर्ड वैल्यू बड़ा है तो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू बड़ा है तो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू घटेगा और अगर मेजर्ड वैल्यू बड़ा है तो मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू घटेगा। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ट्रू वैल्यू हम किसको कहते हैं तो मीन वैल्यू को कहते हैं, ए एम बराबर होगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन बट्टे एन। तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं और एब्सोल्यूट एरर के संदर्भ में एक ये बातें कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर जो होगा वह प्रत्येक मेजरमेंट का अलग अलग निकल, जितने बार हम मेजर करेंगे वैल्यू उतना अलग आएगा। दूसरा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं तो द एरिथमेटिक मीन ऑफ, एरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इट इज डिनोटेड बाय डेल ए एम, डेल ए एम अगर हम लोग कह रहे हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो ये हो जाएगा डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन
प्लस डॉट डॉट डेल ए एन बटे, मतलब जितना भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला प्रत्येक मेजरमेंट वैल्यू के लिए, उस सब का जो औसत मान होगा वह कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकाल सकते हैं डेल ए वन प्लस डेल ए, मतलब ये हो गया कि डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री प्लस डॉट डॉट डेल ए एन बटे एन, मतलब जितना भी एब्सोल्यूट एरर निकाले उस सब का जोड़ बटे उसकी संख्या। कहने का मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो प्रत्येक टर्म का होता है, एब्सोल्यूट एरर प्रत्येक टर्म का होता है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा वह पूरे मेजरमेंट का होगा, ना कि सिंगल सिंगल। एब्सोल्यूट एरर होगा प्रत्येक टर्म का, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर प्रत्येक टर्म का नहीं होगा, वो ओवरऑल होगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा वह होगा डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री प्लस डॉट डॉट डेल ए एन बटे एन। तो अगर हम चाहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना तो पहले हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद ही हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते। इसका तीसरा क्लासिफिकेशन है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर किसको कहते हैं? रिलेटिव एरर कहते हैं द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होगा वह कहलाएगा रिलेटिव एरर। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग बात करें रिलेटिव एरर का, रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल ए एम बटे। अब हमको पता है कि ये है मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी या ये हो गया मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो आप फॉर्मूला इसका जानते हैं, अगर हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं ए एम का डिफिनीशन होता है डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री प्लस डॉट डॉट डेल ए एन बटे एन। ए एम का होता है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए एन बटे एन। एन और एन कैंसिल हो जाएगा, ए रिलेटिव का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए रिलेटिव बराबर डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री प्लस डॉट डॉट डेल ए एन बटे ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव एरर निकालने के लिए भी आपको एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू पता। एब्सोल्यूट एरर की जानकारी अगर हमारे पास नहीं है तो हम न ही मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं और न ही रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। चलिए तो अंतिम है इसके प्रकार में परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर किसको कहते हैं? परसेंटेज एरर का लगता है
फ्रीडम रिलेटिविज्म इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज परसेंटेज एरर हो जाएगा रिलेटिव एरर 100% रिलेटिव एरर आदि में 100%। अगर हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव एरर को, तो यही कहलाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज में बदलने का तरीका हमको ज्ञात है, यह है 100 से अगर हम गुना कर देते हैं तो यही परसेंटेज एरर हो जाता है। परसेंट 100 से गुना कर देंगे तो अगर रिलेटिव एरर आपको ज्ञात है तो आसानी से हम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वीडियोज में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तब इस सारे की समझ हमको अच्छी तरीका से आ जाएगा। धन्यवाद।